प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधेश्याम थिएटर में रिलीज हो चुकी और राधा कृष्ण कुमार की इस फिल्म का जादू हिंदी दर्शकों पर नहीं चलता। पहले दिन 11 मार्च को राधेश्याम ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही धीमी शुरुआत करते हुए 3 करोड़ के आसपास की कमाई की। हालांकि पहले माना जा रहा था कि फिल्म 6 से 7 करोड़ रुपये के आसपास की ओपनिंग करेगी, लेकिन राधेश्याम की एडवांस बुकिंग को देखते हुए कयास में बदलाव आए और बाद में माना जा रहा था कि फिल्म 4-5 करोड़ के आसपास कमाई कर लेगी, लेकिन फिल्म ने 4-5 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो चलिए जानते हैं हिंदी दर्शकों को प्रभास की राधेश्याम फिल्म क्यों पसंद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हालांकि तेलुगु दर्शकों ने फिल्म को बेहतर रिस्पांस दिया और फिल्म ने भारत में बंपर शुरुआत करते हुए 48 करोड़ रुपये की ओपनिंग दी, लेकिन हिंदी दर्शक फिल्म को ओपनिंग के साथ ही नकारते हुए दिखाई दे रहे। वही फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ भी कुछ खास नहीं रह पाया, जिस वजह से फिल्म को हिंदी में अच्छे आंकड़े मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। हिंदी दर्शकों को प्रभास और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री और राधेश्याम की कहानी दोनों ही हजम नहीं हो पा रही। यही कारण है कि रिलीज के साथ ही दर्शकों ने इस फिल्म को सीरियस से नकार दिया। कुल मिलाकर इस फिल्म की कमाई अब तेलुगु दर्शकों के हाथों में है, क्योंकि ओपनिंग के साथ ही राधेश्याम के हिंदी दर्शकों ने थिएटर में केवल 11% की उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें सुबह के शो में शुरुआत ही 10% के साथ हुई, जो शाम तक केवल 11% तक ही पहुंच पाई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ जैसे कई शहरों के साथ राधेश्याम ने 10% तक ही उपस्थिति कर पाई।